नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसा रहेगा साल 2024 आपके लिए। तो आज की वीडियो का जो राशि रहेगी वो रहेगी कन्या लगन वाले। जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप 6 नंबर से शुरू होती है, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। कन्या लगन वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो इस साल की शुरुआत में क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। कन्या लगन में आपके लगन में चल रहा है अभी केतु का गोचर। बुध और शुक्र साल की शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति रहेगी। शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में चल रहा है राहु देव का गोचर और अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक साल के शुरुआत में रहेगा आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। लगातार गोचर की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन कुछ ग्रह जो है वो पूरे साल यही रहेंगे, लेकिन डिग्री उनकी चेंज हो जाएगी, जैसे कि राहु, केतु और शनि। साथ में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे अपनी 1 मई 2024 को आपके अष्टम भाव से निकलकर आएंगे नवम भाव में, और साल 2024 के बाद राशि परिवर्तन करेंगे अगली बार साल 2025 में। तो 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 2 भावों में गोचर करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कैसा रहेगा इस ग्रह गोचर का परिणाम आपकी कुंडली में आपके भाग्य पर। क्योंकि आपके लगन में अभी केतु का गोचर चल रहा है, तो यहां पर आप लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो आपको थोड़ा सा इस समय मिस्टीरियस बनाएगी। इस साल के अंदर आप क्या करने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या आगे लक्ष्य है, इसका कोई आपका घर का बाहर का तो क्या, आपका घर का व्यक्ति भी इस बारे में आपको नहीं बता पाएगा। साथ ही साथ इस साल के अंदर आपके अंदर दान करने की क्षमता और दान देने की चीजें बहुत ज्यादा होंगी। एकांतवादी आपको बनाएगा और केतु कहीं ना कहीं लगन के अंदर विराजमान होंगे। और अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड के दौरान जैसे ही मंगल का गोचर आएगा और केतु पे दृष्टि डालेगा, उस समय में आपके माथे पर कोई कट या चोट लगने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। वो हम आपको समय पर बता देंगे कि जब भी मंगल का राशि परिवर्तन होगा कब ये ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो साल के शुरुआत के 15 दिन सूर्य देव आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी सूर्य देव चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। 15 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा ऐश्वर्य का, इस समय में आप लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं। अब आइटम कौन सी होंगी, जो एंटीक पीस होंगे, खूबसूरत चीजें होंगी, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होंगी, क्योंकि सूर्य है राजा है ना, तो यहाँ पर सुख समृद्धि के स्थान पर आए हैं और किसके साथ में आए हैं, मंगल के साथ में। तो यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा बेटर दिखाने के लिए आप ऐसा करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो आपके 12वें आपके हॉस्पिटल के भाव के स्वामी हैं और हृदय का कारक भी सूर्य माना जाता है। चतुर्थ भाव में यहाँ मंगल के साथ आने से कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। तो भैया, अगर हार्ट की या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः इसका जाप करना बिल्कुल न भूलें। ये साल के शुरुआत के 15 दिन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगली चीज, इस साल में शनि देव आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जीत तो आपके शत्रुओं पर ये हो गई, क्योंकि शनि देव यहां पर स्व राशि के होकर छठे भाव में विराजमान है और यहां पर बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आपका शत्रु कोई भी आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता, यहां पर शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रही है। जो लोग रिसर्च का, प्रोफेसरी का या फिर पीएचडी कर रहे हैं या किसी चीज में बड़े महकमे पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेहनत आपको सक्सेस में और ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। अब राहु, बात करते हैं राहु देव की। राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और पूरे वर्ष पर्यंत यही रहने वाले हैं। तो क्या करेगा, सबसे ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ को यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े,
मन मुटाव, इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में भी किसी भी प्रकार का क्रोध आक्रोश ना लेकर आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेली इनकम जो है अकस्मात ही बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि राहु का काम क्या है, अचानक से चीजें देता है। अगर लड़ाई कराएगा तो अचानक से ऐसी बात पे लड़ाई करा देगा कि लास्ट में आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि हमारी बहस किस बात पे शुरू हुई थी। और अगर धन देने पर आएगा, या मैं कहूं कि अगर यहां पर आपकी डेली इनकम बढ़ाएगा तो अचानक से किसी दिन बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा और अचानक किसी दिन बहुत कम रहेगा। तो यहां पर इमीडिएट चीजों को आपको देता है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या चल रही है, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या चल रही है, तो निश्चित तौर पर आपको राहु के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं अगर वास्तव में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है। अब बात करते हैं हम अगले ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति की। तो साल की शुरुआत के चार महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। एक आपके सुख के स्थान के, दूसरे आपके वैवाहिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके सप्तम भाव के स्वामी। तो दो केंद्र के स्वामी अष्टम में आ जाना, तो साल के शुरुआत के चार महीने थोड़े से क्रूशल आपको दिखाई देंगे। यहां पर थोड़ी सी परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा मई के महीने में, तो यहां पर आएंगे आपके भाग्य के भाव में। तो यहां पर क्या करेंगे, मैरिज की बात नहीं हो रही तो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, सुख साधन और समृद्धियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहां पर आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक्टिवेट सीधा सीधा करेंगे आपकी कुंडली के अन्य भावों को, लगन पे दृष्टि आ जाएगी और उसके बाद में आप लोगों के जो अन्य भाव हैं, इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आप लोगों को जॉब के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों को कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है इस वर्ष में। मैंने बताया था कि लास्ट में आपको जरूर कुछ ऐसा बताऊंगी जो आप पूरे वर्ष कर सकते हैं। पहली चीज, आप लोगों को इस पूरे वर्ष जितना अधिक हो सके उतनी डॉग्स की सेवा करनी है, या फिर मैं कहूं कि केतु आपके लगन में विराजमान है और राहु आपके सप्तम भाव में है, तो राहु और केतु के उपाय आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए और शनि के उपाय, क्योंकि पूरे साल ही इनका गोचर आपकी कुंडली के इन्हीं भावों में रहेगा। शनि तो अच्छी परिस्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु और केतु के उपाय आपको करने चाहिए। जैसे कि आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, छोटी बच्चियों को आप कुछ मीठा दान कर सकते हैं, डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए चंडी पाठ बहुत अच्छा रहेगा, भगवान भैरव की आराधना आप कर सकते हैं। बहुत सारे तमाम ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा सटीक और स्पेसिफिक उपाय रहेगा वो आप हमसे बात करके हमसे पता कर सकते हैं। अगली चीज, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा और उनकी कन्या लगन है तो आने वाले साल में विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। जॉब लगेगी, लेकिन कब, मंथ ऑफ आफ्टर मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे ही राशि परिवर्तन होगा गुरु का उसके बाद में चांसेस आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें शनि की, तो शनि यहां पर कहीं ना कहीं आपके बारहवें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको एमएनसी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अगर आप कुछ गलत कर्म करेंगे तो जेल का भाव भी वो बारहवां ही भाव है, तो किसी भी प्रकार का किसी के साथ में ऐसा कार्य ना करें जिसके आपको गलत रिजल्ट भुगतने पड़े। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता माने जाते हैं। दोस्तों, ये तो था आपकी कुंडली का विश्लेषण यानी कि कन्या लगन वाले जातकों का विश्लेषण। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने भाग्य को जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।